अच्छा जी, तो ये अभी हम पहुंच गए हैं करली झील। तो पानी भी जो है यहाँ के फ्रेश वाटर है, जो कि पूरे कराची को सप्लाई होते हैं। हमने वहाँ खाना खाया, एंजॉय भी किया, लोगों से बातें भी की और बोटिंग तो इसके कमाल के हैं। What about biryani? Yeah, biryani sounds very good to me. So hopefully you can get the biryani first and then you run and jump into our. Okay, so thank you. Have a nice day. Nice to meet you. Rahman Rahim, welcome to Awaz Kaga Khair Travel Tourism. हम टाटा से निकल गए और करली झील की तरफ जो है वो रवा दवा हो गए। तो तकरीबन 25 किलोमीटर आगे जो है एक लेक है जिसको करली झील या इसको केंजर लेक या केंजर झील जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, अभी हम पहुंच गए, इसके एंट्री पास है कि हम पहुंच गए तो वहाँ पर एक गेट पास है। गेट पास हमने जो है वहाँ पर पेमेंट किया। तकरीबन एक बस में हम 50 से 40 लोग थे, तो हमने तकरीबन 1800 रुपये दिए। और ये आप देख रहे हैं कि अभी हम इन हो गए हैं और ये इसके साइड पर एक रोड जा रहा है जहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ पर टूरिस्ट स्टे करते हैं सिर्फ डे टाइम। तो ये इसका एक सीन है जो आप देख रहे हो। ये पूरा झील है, जो कि अभी सर्दी का टाइम है तो सर्दी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं और ये रोड तक जो है वो पहुंच जाते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट झील है, जो कि फ्रेश वाटर जो है वो सप्लाई करते हैं। गर्मी में पानी जो है थोड़ा कम हो जाते हैं। और आगे जितने भी ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये फिर खाली नज़र आते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, लेकिन झील पर भी जो है झील में पानी होते हैं। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये है करली झील के साइड पे जितना भी टूरिस्ट स्टे पॉइंट है, इसमें ये आप होटल वगैरह कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेंट वगैरह लगाए जा सकते हैं जो कि मुकामी लोगों के होते हैं और वो इसके कुछ पैसे लेते हैं। अच्छा जी, तो ये अभी हम पहुंच गए हैं करली झील। गाड़ी से उतर के अब हम यहाँ पर कोई जगह लेंगे किराया पर, टेंट वगैरह जहाँ पे दरी वगैरह, तो उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ अभी। देख सकते हैं हमारे और भी साथी हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो कि हम कॉलेज के तरफ से आए हैं, आज आप लोगों को पता भी है। तो आ जाए, आगे चलते हैं। चूँकि सर्दी का मौसम है तो इतने सारे टूरिस्ट तो आए भी नहीं हैं, बट है थोड़ा बहुत अभी भी लोग हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह हम अभी आपको बता देंगे कि गर्मी में यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और गर्मी में पानी भी बहुत कम होते हैं, और यहाँ भी क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में पानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, तो ये अभी हम पहुँच गए हैं और ये यहाँ पे दरी है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये 1976 में 23 जुलाई 1976 में ये डिज़ाइन किया गया। What is your opinion about this? Opinion is all the students are here just to enjoy the day. Okay. Right, and hopefully we're gonna, they all gonna enjoy. And first we have to take the lunch. First they're gonna take the lunch and then we're gonna let them go to swim right in the sea. And hopefully. ये हमारा एक सीनियर सर है जिससे जो हमारे साथ था इस टूर में, और हमने उसके साथ थोड़ा बात की। Yeah, biryani sounds very good to me. So hopefully you can get the biryani first and then you run and jump into our. Okay, so thank you. Have a nice day. Nice. मेरे ख्याल में सर्दी के मौसम में यहाँ पानी ज़्यादा होता है। हाँ, ज़्यादा होते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा होता है ना इस वजह से। मतलब बिलावल वाला वही हिसाब हो गया ना, जब बारिश
ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ना, पानी ज्यादा बारिश होता है तो पानी होता है और जमीन जमीन में जब बारिश ज्यादा होता है सही को इस वजह से पानी ज्यादा होता है। तो अभी ये जो टेंट वेंट वगैरह लिया है आप लोगों ने, ये बच्चे खाएंगे चावल मावल, उसके बाद ये वो जाएंगे वहाँ एक बाजार है वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आपको लग रहा है कि यहाँ ये बाजार में मतलब होगा कोई रियलिटी तो नहीं है क्योंकि वो पानी के अच्छा जी तो ये अभी खाना शुरू हो गया है, ये लड़के बैठे हुए सारे तो ये जो वही ना कहने सबको जो है सर्व किया और बिरयानी है बहुत मजे के थे क्योंकि जब आपको भूख लग जाते हैं क्योंकि हम विजिट पे आए थे कोई हमने दाबी जी और गारो के विजिट किया था साथ में रास्ते में भी बहुत थक गए थे तो बहुत अच्छा भूख लगा था और वाकई में यहाँ खाने का जो है बहुत मज़ा आया। लोग बहुत ज़्यादा थे तो इस वजह से और ज़्यादा जो है हमारे इस पिकनिक का मज़ा दुबारा हो गया। और ये देखिए बिरयानी जो है अभी वो निकाल रहा है टेक से, तो फिर मैं थोड़ा मसरूफ़ हो गया कि मैं ख़ुद भी जो है इतने सारे लोग हैं और मैं इसको डिज़र्व करूँ, सिर्फ वीडियो बनाना भी नहीं होता है, एक पिकनिक में जब आप जाते हो तो वहाँ कुछ काम भी करना पड़ता है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने जो है लोगों को सर्व किया बिरयानी और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारे। आवाज सर सका हुई अच्छा नहीं थे लेकिन बिरयानी में गोश्त भी कमाल के थे बहुत ज्यादा गोश्त डाले थे खिदमत के राजी। यहाँ के लोगों को एक चीज जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये है कि जब आप बैठ जाते हो तो खाने वगैरह मांगने जो है वो आ रहा है, गुर्बत ज़्यादा है यहाँ पर। दूसरा ये भी हो सकता है कि इन चीज़ों पर हमारे गवर्नमेंट का जो है कोई प्रिवेंशन नहीं है। अच्छा खाना हमने खाया और फिर हम बोटिंग के लिए निकले कि हम जाएंगे थोड़ा सा बोटिंग करेंगे, एक मज़ार था उसको देखेंगे, मज़ार जाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम बोटिंग करें और ये तकरीबन कोई 20-15 मिनट का बोटिंग था तो हमने बहुत अच्छा एंजॉय भी किया। हमने कहा वापस आएंगे फिर थोड़ा स्विमिंग करेंगे खुद। तो दूसरी बात यह है कि पानी यहाँ का मीठा है तो आपको जो है यहाँ बोटिंग करते हुए या आपको स्विमिंग करते हुए मज़ा जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी तो ये अभी हम निकल रहे हैं अपने एरिया से मज़ार के लिए बोटिंग करते हुए, तकरीबन हम कोई 9-10 लोग थे एक बोट पे। ये यहाँ जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है तो ये बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, ये आपको आवाज़ से और जो हमारा मोमेंट है इससे जो है अंदाज़ा होगा। जो बोटिंग का क्या कह सकते हैं ड्राइवर है तो वो जब बोट को आगे पीछे करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, हमारे टीम के बिल्कुल नए थे बोटिंग करने कभी नहीं निकले थे तो उसकी वजह से जो है हमसे नहीं हो सकता कि हम इसको बर्दाश्त करें। अच्छा एक चीज़ है कि जब आप पानी में तैरते हो स्विमिंग करते हो या बोटिंग करते हो तो काफ़ी अच्छा सा एक समा होता है और एंजॉय भी आप
करते हैं। ये आप देखते हैं कि आगे दूर दूर तक कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आता। ये हम पानी में बोटिंग करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आपको हमारे जो वीडियो का बैक है इसमें आप दिखाई दे रहा है कि हमने पानी में जो है एक रोड सा जो है वो बनाया हुआ है हमारे बोट की मूवमेंट की वजह से। आगे बैठना अलाउ नहीं था क्योंकि इतना सेफ और सिक्योर नहीं था। दूसरा, लाइफ जैकेट्स जो है वो भी हमारे साथ कम थे। और यहाँ के अगर डीप देखा जाए कि ये झील जो है वो कितना डीप है, तो इस पे अगर देखा जाए तो तकरीबन इसका लेंथ जो है वो है 24 किलोमीटर और मैक्सिमम डेप्थ, ये देखिए अभी हम मज़ार तक पहुंच गए हैं। यहाँ ऊपर चढ़ना जो है वो भी मुश्किल था, ऊपर गिरने का भी होता है, साथ में यहाँ कैमरा और मोबाइल चलाना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा जी, तो ये अभी हम पहुंच गए हैं। अच्छा, कराची और टाटा शहर, पूरा कराची और टाटा शहर में जितने भी पानी सप्लाई होते हैं तो इसकी सप्लाई का सिर्फ एक ही ज़रिया है। ये वहाँ जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो है वहाँ पर ये प्योर होके सारा जी समंदर है। और अभी हम समंदर के बीच में जो एक मज़ार है उस पर आए हैं। ये सिर्फ एक मज़ार बना हुआ है और बाकी आप देख सकते हैं इर्द गिर्द पूरा समंदर है। ये आपको पानी ही पानी नज़र आएगा आगे। अच्छा, ये वो मज़ार था जो हमने आप लोगों को दिखा दिया। अभी कुछ कह नहीं सकते इस मज़ार में कौन है और किसका मज़ार है। यहाँ लोग आते हैं पानी, एक जगह खड़े हैं, लेक है और लेक में तो बोटिंग करने का मज़ा ही अलग होता है। तो अभी हमने मज़ार देख लिया और हम वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी करो दीनू जो कि बोट ट्रेन करने वाले का भी यही बोट चलाने वाले का भी यही वो था कि हम जाएंगे तो कोई और लेके आएंगे। हमने मज़ार के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया और फिर हम निकल पड़े। जाते हुए आप देख सकते हैं टाइम था जो हमने इंजॉय किया। आप भी अगर कराची कभी आए तो इधर उधर के पार्क जाने से अच्छा है कि आप यहाँ के विजिट। यहाँ इतना आप लोगों का वो नहीं आएगा, खर्चा नहीं आएगा, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। गाड़ी का खर्चा है और वहाँ स्टे के लिए जो है कोई एक 500-800 का है खर्चा है बस। खाने पीने का कोई चीज़ अगर साथ लेके जाते हो तो उसका भी जो है थोड़ा बहुत खर्चा आएगा। क्योंकि हम आए थे बहुत ज़्यादा लेट, तकरीबन हम 3 बजे तक पहुंच गए थे। फिर खाना खाया तो
बोटिंग के बाद टाइम इतना नहीं बचा हुआ था, तकरीबन कोई 4:30-5 बजे हमने बोटिंग ख़त्म की और उसके बाद थोड़ा सा स्विमिंग किए। स्विमिंग के बाद फिर क्या हुआ कि हमने जाने का सोचा कि हम अभी निकल रहे हैं, तो बस बोटिंग करते हुए जो है हम फिर निकल पड़े। अच्छा, ये अभी हम अपना जो आबादी है और जो टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये कुछ दोस्त जो स्विमिंग कर रहे थे और उसने जो है वो मजाक मस्ती कर रहे थे और पानी की चैंटी जो है हम लोगों के ऊपर ये देखे, तो इन्जॉय के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग तंग हो जाते हैं। यहाँ इस तरह मुकामों को जब कोई आता है तो उसका स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग भी निकल लिया करें, अगर इस तरह कोई टाइम मिलता है आप लोगों को तो आप डिप्रेशन टेंशन की चीज़ों से जो है वो चीज़ों से जो है आप लोग दूर हो जाएंगे। यहाँ के अगर किराया देखा जाए तो पर हेड आई थिंक 150 रुपये हैं। 100 भी लेते हैं, कभी 150 लेते हैं, कभी 200 लेते हैं। अभी जो उनके टूरिस्ट इतना थे ही नहीं, तो इस वजह से हमने 150-150 रुपये दिए। चलो जी, अभी हम निकल रहे हैं, आप लोगों से सिर्फ इजाज़त चाहते हैं। ये दोस्त सारे खड़े हैं और मैं बढ़ रहा हूँ उसकी तरफ। अच्छा, चलो अभी निकल रहे हैं। हाँ, अभी बस ये है कि अभी और टाइम विजिट का भी कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छा खासा एंजॉयमेंट किया। तो अभी ये है कि स्टूडेंट्स हम बिठा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो फिर किसी ने नाइट ड्यूटी भी जाना होगा शायद। अच्छा, और हमारे व्यूअर को बता दो, अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।